रेल विभाग ने टिकट दलाल को पकड़कर उसके विरुद्ध आरपीएफ थाना नागपुर में रेल अधिनियम तहत मामला दर्ज किया है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक सचिन दलाल, उपनिरीक्षक मनोज धाईगुड़े, आरक्षक सीएच गार्डवे, आरक्षक अनिस खान, आरक्षक अमित बारापात्रे और आरक्षक अश्विन पवार डीएससी कार्यालय नागपुर तथा कपिल नगर नागपुर के पुलिस कर्मियों की मदद से मॉडर्न ट्रेडर्स टेकानाका कामठी रोड नागपुर में रेड की गई है। रेड के दौरान दुकान में मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद फैज अंसारी निवासी दहगा और रंगारी रेल आरक्षण ई टिकटों के बारे में पूछने पर अनभिज्ञता जाहिर की। बाद उसकी अनुमति से उसके दुकान में रखे कंप्यूटर सेट चेक करने पर 5 पर्सनल यूजर आईडी पाई गई, जिसका पासवर्ड पूछने पर उसके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद उक्त पर्सनल यूजर आईडी से प्रबल ऐप से जानकारी प्राप्त करने पर 5 पर्सनल आईडी से कुल 156 नग पुराने ई टिकट जिनका मूल्य 1,46,845 पाया गया। उक्त 5 पर्सनल आई यूजर आईडी में उसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर रजिस्टर पाया गया। बाद उपनिरीक्षक मनोज धाईगुड़े द्वारा कुल 156 नग पुरानी रेल आरक्षण ई टिकट की सूची, जिसकी कीमत 1,46,845 तथा 1 नग कंप्यूटर सेट मोबाइल मॉडम कीमत 4,41,500 पंचनामा के तहत जब्त किया गया। निरीक्षक नागपुर आर जेम्स के आदेश अनुसार उपनिरीक्षक मनोज धाईगुड़े द्वारा आरपीएफ थाना नागपुर में अपराध क्रमांक 694/2020 रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त की गई कार्रवाई श्रीमान मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ नागपुर आशुतोष पांडे इनके मार्गदर्शन एवं निदर्शन में की गई। आरपीएफ नागपुर द्वारा अवैध टिकट कालाबाजारी के विरुद्ध जारी मुहिम के तहत कल एक मॉडर्न ट्रेडर्स नाम की दुकान के यहाँ रेड की गई, जहाँ से एक व्यक्ति को अवैध टिकट कालाबाजारी के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति ऑथराइज्ड आईआरसीटीसी एजेंट है और इसकी आड़ में ही वो अपने जो टिकट्स के हैं अवैध कालाबाजारी करता था। इनके यहाँ से कुल हमें 5 आईडीज़ मिली हैं, जिन पे पास्ट में 146 टिकट्स बनाई गई हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,46,000 रुपये है। ये लॉकडाउन के बाद से हमारी 17वीं कार्रवाई है और आगे भी हम जो हमारी मुहिम है अवैध टिकट कालाबाजारी के विरुद्ध, वो हम जारी रखेंगे इस कार्रवाई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।